नेक्स्ट है रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होती है, वाई एक्सिस में कभी रेंज आती थोड़ी ना, जमीन का जमीन तो हॉरिजॉन्टल होती है, तो इसका पूरा नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज आर। क्योंकि रेंज एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है तो इक्वेशन किस एक्सिस में लगेगी, एक्स में लगेगी। तो आप इमेजिन करें कि एक्स एक्सिस में डिस्टेंस आर है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, वी कॉस थीटा, और वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा विल रिमेन सेम। आप ये बताएं कि बॉडी यहां से यहां आर डिस्टेंस कितने समय में कवर करती है, कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जितनी देर वो हवा में है तब तक वो आर कवर कर रही है। तो एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए इक्वेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट है वी कॉस थीटा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यू कैन अप्लाई एस इक्वल टू वी टी, तो डिस्टेंस की जगह आर, वेलोसिटी की जगह वी कॉस थीटा, और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। तो कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या है, टू वी साइन थीटा बाई जी अभी किया, तो यहां से वी और वी मल्टीप्लाई किया, क्या बना वी का स्क्वायर। मैथ का फॉर्मूला है, पहले भी करवाया फिर नोट कर सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला मैथ्स में साइन टू थीटा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन टू थीटा। तो रेंज का ये फॉर्मूला नोट करें और मैथ का ये फॉर्मूला भी नोट करें, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ टू थीटा, क्योंकि कभी कभी मैं उल्टा भी यूज करूंगा न्यूमेरिकल में, साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला नोट करें, वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और साथ में ये मैथ्स का फॉर्मूला नोट करें।